मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को, जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, अमित शाह जी यहां पर आते हैं तो नया कुछ क्या कह पाते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी है अपनी बड़ी ताकतों को और 3 बड़े मोहरों को, छत्तीसगढ़ में 2 और बड़े मूवमेंट भी होने वाले हैं। देश और छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक पारा है वो भी गर्म होता जा रहा है। और इस गर्माहट की तेज़ गर्मी का एहसास अभी कुछ दिन में भाजपा भी कराने वाली है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ पंडित रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये एक तरह की शेड निर्माण के लिए लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि 22 जून को जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका आगमन होने जा रहा है और हजारों की संख्या में यहाँ पर उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। और मकसद साफ़ है, मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को एक तरह से प्रचारित किया जाएगा और जन जन तक पहुंचना और बीजेपी के फेवरेबल बातें करना, इस तरह का एक एजेंडा उनकी ओर से रह जाएगा। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ में 2 और बड़े मूवमेंट भी होने वाले हैं, जैसे कि जो केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब, वो कांकेर आने वाले हैं, और जेपी नड्डा साहब हैं वो बिलासपुर आने वाले हैं। जेपी नड्डा साहब 30 तारीख को आएंगे और 1 जुलाई को राजनाथ सिंह साहब कांकेर में पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी है अपनी बड़ी ताकतों को और 3 बड़े मोहरों को इन जगहों पे उतार रही है। और मकसद साफ है, कांग्रेस सामने है, चुनाव सामने है, कांग्रेस के एजेंडे सामने हैं, भूपेश जी के दहाड़ सामने हैं, और उस दहाड़ की जवाब के समय के लिए एक प्रकार से उन्होंने अपनी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। और आने वाले वक्त में आपको ये सब चीज़ें, ये एग्रेशन ज़रूर देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में जो सियासी उबाल है वो देखने को मिलेगा। बात करते हैं भाई साहब, ये यहाँ पर जो डोम और शेड निर्माण हो रहा है, इसमें क्या क्या बनाएंगे आप लोग? यहाँ अपना बैठने का डोम लग रहा है, पूरा आखिरी तक जाएंगे, उस तरफ अपना पंडाल लग रहा है, इस तरफ भी पंडाल लग रहा है, बाकी यहाँ सेटिंग होंगे बैठने का, वीवीआईपी का, उस तरफ अपना आम जनता मतलब जनरल पार्टी का, इधर भी जनरल। स्टेज किस तरफ रहेगा? स्टेज अपना सामने इस तरफ, स्टेज इस तरफ रहेगा बता रहे हैं, इस तरफ जी। और कितना बड़ा स्टेज रहेगा? ये अपना रहेगा 32x64 का, 32x64 का स्टेज रहेगा, जहां से अमित शाह जी और बड़े नेता संबोधित करेंगे। और जो पब्लिक के आने की जगह रहेगी वो किधर से रहेगी? पब्लिक के आने की जगह दोनों, ये कोई गेट नंबर है क्या? ये दूसरा है और तीसरा है, गेट नंबर 2 और 3 से पब्लिक के आने की जगह रहेगी। और वीआईपी जो लॉन्ज रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? वीआईपी तो उसके स्टेज के पीछे रहेंगे। अच्छा, मतलब चेयर्स रहेंगे स्टेज से, मतलब 30 फीट दूर। हाँ, मतलब जो वीआईपी लोग रहेंगे वो जो स्टेज है उससे 30 फीट दूर पे उनके चेयर्स रहेंगे जी। और यहाँ जहाँ अपन खड़े हैं यहाँ से क्या पब्लिक रहेगी कि कार्यकर्ता रहेंगे? पूरा कार्यकर्ता पूरा वीआईपी का, मतलब यहाँ डोम के अंदर सेटिंग है, बाकी जो अपना पंडाल लग रहा है उसमें आम जनता है, इस तरफ आम जनता। मतलब आप जो ये सेटिंग कर रहे हैं, आपको तो तजुर्बा होगा, आपको ये अंदाजा होगा कि कितनी भीड़ आ सकती है इसके अंदर? इसमें 20 से 22 हज़ार कम से कम, 20 से 22 हज़ार। अच्छा, जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है तो क्या ये भी निर्देशित हुआ होगा कि कूलर और एसी व्यवस्था, पंखा? हाँ, पूरा कूलर लग रहा है, एसी लग रहा है सामने पूरा, बाकी इधर पूरा कूलर पंखा। कितने कूलर और एसी लग जाएंगे इसमें? 100 कूलर लग रहा है, पंखा वगैरह लग रहा है 8-10 करीब एसी लगेंगे उसमें, बाकी पूरा पडेस्टा पंखा। तो ये इस तरह से हमने आपको जो यहाँ राजनीतिक सरगर्मी होने वाली है और उसके कारण है वो कारणों को भी बता दिया। स्टेज यहाँ बनेगा जहाँ से अमित शाह जी और बड़े नेता जो हैं भाजपा के वो मंच से संबोधित करेंगे, और इसके ठीक अपोजिट साइड में ये गेट आप देख पा रहे हैं, गेट नंबर 2 कहलाएगा, वो जो सीधा देख पा रहे हैं, और इस तरफ एक गेट है गेट नंबर 3 कहलाएगा, उस गेट से, गेट नंबर 2 और 3 से आम पब्लिक की आवाजाही यहाँ से रहेगी। और सामने वीआईपी और वीवीआईपी लॉन्च रहेंगे, पीछे कार्यकर्ता और पब्लिक के बैठने की जगह रहेगी। तो साफ तौर पर हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और जनता भी इंतज़ार कर रही है, जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, अमित शाह जी यहां पर आते हैं तो नया कुछ क्या कह पाते हैं, किन विषयों को रख पाते हैं? जाहिर तौर पर कांग्रेस की नीतियों की आलोचना भी होगी और अपनी बातों को रखने का एक दमखम भी दिखेगा। तो इस खबर में आगे और कुछ जो भी बातें घटित होंगी आपको जरूर बताएंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।